और सर आपको डर लगता है वैसे जब आप घर जा रहे होते हो, या कि मतलब यार मेरा डेली की डीलिंग, और जैसे रूबल भाई भी हमें आए थे पॉडकास्ट पे, वो बता रहे थे कि उनका काम था कैदियों को लेकर जाना कोर्ट में, और उन्होंने पिक करे थे हाई प्रोफाइल केसेस, तो जो एक कैदी के साथ सिर्फ चार पुलिस वाले, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि रास्ते में जाते जाते कोई कैदी कहता था, ओए सिगरेट दे, ओए ये कर, तो जो तेरा मैंने बैच नंबर देख लिया, तो उनको तो ये होता था कि चलो जिस दिन कोर्ट हियरिंग है, आपकी तो डेली डीलिंग है सर उनके साथ, तो कभी डर लगता है आपको? परेशान तो करते अब होंगे। देखो जो कुत्ता है उसका भौंकने का काम है। मेरे को भी कैसे कई बार ऐसे थ्रेट मिले कि जनाब आपकी गाड़ी का नंबर ये है, आपका रूट ये है। तो 10 साल तो हो गए, 10 साल में 100 थ्रेट तो मिल चुके होंगे, लेकिन बाल भी किसी ने आज तक तो तोड़ा नहीं है। और बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, जब कुछ होना होगा ना मेरे हाथ में है ना उनके हाथ में। कोई अच्छा सर, किस्सा है सर आपके पास, कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहो, या कुछ की कोई जेल स्टोरी जो आपको लगी हो, या आप जिसने आपके माइंड पे बहुत इम्पैक्ट करा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में, कि यार इम्पैक्ट के तो यार जेल तो अपने आप में खान है। अभी आपने देखा होगा चंद्रकांत झा वाला केस देखा होगा, वो साइको किलर, साथ बिठा के ऐसे कॉफ़ी पिलाना, कॉफ़ी में नशा डालना, फिर हाथ पैर काट देना, उनके साथ सेल्फी खिंचाना, सर को मायापुरी छोड़ के आना, पैरों को नोएडा छोड़ के आना, ऐसे 7-8 मर्डर हैं उस पर। ये बड़ा अजीब सा केस था कि इंसान इतना ज़्यादा वो हो सकता है। अभी निठारी केस आपने देखा होगा सुरेंद्र कोहली का, वो बच्चों को मार के फिर उनके बॉडी को कंज्यूम करता था। एक केस मेरे पास गुड़गांवा से आया था, उसमें 18 साल का लड़का सिर्फ नशे के चलते, बहुत अच्छी फैमिली से था, अपनी पूरी फैमिली को उसने रात को अपने उसके फादर साहब ने डांटा होगा तो कैंची तोड़ के अपने फादर को स्टैब कर दिया। तो मदर बचाने आई, मदर को स्टैब कर दिया, चीखने की आवाज़ों से बराबर के रूम से सिस्टर आई, सिस्टर को स्टैब कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं परेशान तो करती हैं कि एक जरा से बिट ऑफ एग्रेशन में उसने ये चीज़ें कर दी, अब पूरी ज़िंदगी जेल में रहना है उसने, जो भी कन्विक्शन उसका होगा, पूरी फैमिली स्पॉइल कर दी। तो इसमें ये समझ नहीं आता कि जिम्मेदार कौन है। समाज जिम्मेदार है, उसका परिवार जिम्मेदार है, हम लोग जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की सभी की एक मॉरल ड्यूटी है कि ऐसा कुछ देखें गलत होता हुआ तो उन चीज़ों को ओवर पावर करने की सर, कर। ऐसे ही लोगों के लिए जेल में कुछ ऐसा होता है कि उनकी मेंटालिटी को सही करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ, मतलब कि उनका भी ध्यान उन चीज़ों से हटे, सुधर पाए वो, ऐसा कुछ होता है क्या? यार एक्टिविटी जो अभी तिहाड़ जेल है ब्रदर, वो अपने आप में रिहैबिलिटेशन और रिक्रिएशन का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। मोर देन 20 NGOs अभी प्रेजेंटली वर्किंग है तिहाड़ जेल में। हम इनका स्किल डेवलपमेंट भी करते हैं कि बाहर जाके रिहेबिलिटेट हो सके। उसके अलावा जेल के अंदर इनका अच्छा टाइम पास होने के लिए वो चीज़ें उसमें काम आती हैं। इनको हम वेजेस देते हैं कि जिसके घर से पैसा नहीं आ रहा उसको जेल में जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, दूध राशन लेने के लिए, तो वो कैंटीन से ले सके, वो वेजेस भी हम लोग देते हैं। और मेंटली जो सिख हैं, जैसा मैंने केस आपको बताया, इस तरह के सहज योग और ब्रह्म कुमारी, वेरियस NGOs हैं जो अपने प्रोग्राम टाइम टू टाइम चलाते हैं।